हाय ऑल सीएमए बडीज, आप सबके लिए फिर से मैं एक सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। मैं आपका होस्ट सीएमए रोहन शर्मा, और बेसिकली आज मेरे साथ है गौरव शुक्ला। गौरव ने रिसेंटली सीएमए क्वालिफाई किया है, और गौरव का सिलेक्शन एसेंचर में हुआ है, कैंपस में नहीं, ऑफ कैंपस में सिलेक्शन हुआ है। बट पैकेज कैंपस से कम भी नहीं है, वी कांट डिस्क्लोज द पैकेज, बट या ही गॉट लाइक ऑन एन एवरेज पैकेज जो फ्रेशर सीएमए को कैंपस में मिलता है। और बेसिकली राइट नाउ गौरव अभी पुणे लोकेशन में एसेंचर के एज ए सी एफ एम इनलिस्ट इनका सिलेक्शन हुआ है। सो हाय गौरव, कैसे हो आप? हेलो सर, बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ। और फाइनली आप जो चाह रहे थे, एटलीस्ट वो सारी चीज़ें आपको मिल गई सीएमए क्वालिफाई करने के बाद। बिल्कुल सर, 2021 में आई गेस एक्सेंचर आई थी कैंपस में, उस टाइम से मेरा मन था कि एक्सेंचर में ही जाना है, उस टाइम पे पता किया था एंड फाइनली जाके अभी हुआ। अच्छा, सो लाइक अच्छा, मैंने भी आपके सेशंस लिए थे, ओरिएंटेशन में 2 दिन का मेरा सेशन था। सो लाइक मेरा सेशन कैसे लगा था आपको? सर बिल्कुल, उसमें बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि उसके पहले जैसे मेरा सीवी वगैरह बनाने का आपने एक लिया था, एक AI के ऊपर लिया था, राइट? तो जो सीवी बनाने वाला था वो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि उसी के थ्रू जैसे ही आपने बताया था वहाँ पे पूरा नोट कर करके उसके बाद सीवी चेंज किया था। एंड आई थिंक उसी से वो लोग देखते भी हैं, क्योंकि ऐसे बहुत जगह अप्लाई किया हुआ है, नहीं आता था, लेकिन फिर उसके बाद से बहुत जगह डाला है तो बहुत जगह से कॉल भी आए हैं, क्योंकि उसके पहले नहीं मालूम था ना कि उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होता है, क्या होता है, बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती थी। जैसे मेरे सीवी में टेबल्स वगैरह थी, वो सब आपने मना किया था कि टेबल्स मत डालो, तो वो सब बहुत हेल्प करता है। ओके थैंक्स। अच्छा, उससे पहले आप मुझे जानते थे उस ओरिएंटेशन से पहले या नहीं जानते थे? हाँ सर, जानते थे, मतलब ऑब्वियसली आपके बारे में सुना था एंड कुछ आपके यूट्यूब वीडियोज भी देखे हुए थे, बट हाँ आपसे ऐसे पर्सनल कभी बात नहीं थी, जाना नहीं था ऐसे। ओके ओके थैंक्स। अच्छा बात करते हैं, लाइक जब आपका सीएमए क्वालिफाई हुआ, उस दिन जो रिजल्ट आया था, मॉर्निंग रिजल्ट आया था 26 सितंबर को, तो उस समय आपकी फीलिंग कैसी थी? लाइक आपको रिजल्ट कैसे पता चला? मेरा तो जैसे एक्सपेक्टेशन था कि दिन में आएगा, क्योंकि जनरली 2 बजे या 5 बजे शाम को ऐसे आता था रिजल्ट, बट मेरा तो एक्सपेक्टेशन वही था, तो रात में तो बहुत देर तक चेक कर रहे थे, नहीं आया था, फिर उसके बाद सो गए थे। एंड सुबह मेरे पास कॉल आता है एंड वो सीधे कॉल में बोलते हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ और मेरा मतलब ऐसे एकदम से डर लगा अंदर से, क्योंकि अब भी तुरंत उठे हैं और उन्होंने पूछ लिया, तो मेरे मुंह से नंबर नहीं निकल रहे थे मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर हर स्टूडेंट को अपना रटा होता है, बट मेरे को चेक करना पड़ा एडमिट कार्ड में एंड फिर उसके बाद देख के बता रहे उनको, क्योंकि आवाज़ नहीं निकल रही थी। और फिर जैसे ही उन्होंने देखा और वो बोले कि क्लियर हो गया है, दोनों ग्रुप एक साथ निकल गए थे, उस टाइम पर जो खुशी हुई थी, मतलब उस टाइम पर जयपुर में थे तो पूरा रूम में नाच रहे थे। अच्छा, आपके फादर ऑलरेडी सीएमए, राइट? हाँ, तो उन्होंने ही आपको सीएमए करने के लिए बोला था, या फिर आप लाइक खुद से थॉट आया कि मुझे सीएमए करना चाहिए? कैसे लाइक आपकी सीएमए जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बिल्कुल सर, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, मतलब उन्होंने डायरेक्टली ऐसे कभी फोर्स नहीं किया कि सीएमए करो, बहुत अच्छा कोर्स है ये वो, ऐसे नहीं किया, उन्होंने खुद बोला था कि सीएबी करना है सीएबी करो, जो करना करो। बट एक स्टार्टिंग में जब मेरी 12th क्लियर हुई थी तो दोनों में लिए थे, सीपीटी में भी एडमिशन लिए थे सीए का एंड सीएमए फाउंडेशन का भी एडमिशन लिया था, एंड फिर उसके बाद किए एंड दोनों का फाउंडेशन क्लियर हो गया था उसके बाद। बट करते 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 ना, आप जब उसमें जाते हो, पढ़ते हो, लोगों को सुनते हो, तो समझ में आ जाता है कि सीएस की कहाँ पर इंपॉर्टेंट है एंड सीएमए की कहाँ पर एक इंपॉर्टेंस है। तो आपको जैसा अपना करियर डिज़ाइन करना, आपको प्रैक्टिस में जाना है या ऑडिट्स में जाना है, टैक्सेशन में जाना है, तो ऑब्वियसली आप सीए चूज़ करो, क्योंकि उनमें ज़्यादा स्कोप रहता है, उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट एज अ कॉर्पोरेट में अगर आपको जाना है मैनेजमेंट में, तो ऑब्वियसली सीएमए इज़ बेस्ट, राइट? तो मेरा हमेशा से वही मन था कि कॉर्पोरेट में जाना है एंड मैनेजमेंट लेवल तक एक ऐसा डिग्री लो जिसमें आपकी ग्रोथ कभी रुके ना। या ट्रू। सो जब आपने सीएमए ज्वाइन किया, फाउंडेशन आपने क्लियर कर लिया था, बट या इंटरमीडिएट में आपको चैलेंजेस आए थे, तो लाइक कैसे चैलेंजेस थे आपके लाइफ में? बिल्कुल, पहले तो एक ऐसे वो नहीं रहता, लाइक पापा ने बहुत पहले किया था, वो 90s में उनका क्लियर हो गया था, तो उस टाइम से अब तक में सिलेबस बहुत चेंज हो गया है, तो उनके हिसाब से लाइक वो उनका ये उनके जो थे गाइडेंस ऑब्वियसली काम करती है, बट एक अपन को खुद से भी स्ट्रैटेजी बना के करनी पड़ती है। तो सबसे पहले डिफिकल्ट डिसीजन तो ये रहता है कि आपको दोनों ग्रुप साथ में देने हैं कि सिंगल सिंगल ग्रुप देने हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा कुछ ना करके सोच के मतलब फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप दिया। एंड इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी बात है कि क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट में रेगुलर क्लासेस चलती थी, तो उसकी क्लासेस की बहुत हेल्प हुई थी एंड बाकी अलग से कोचिंग्स भी लिए थे एंड सीए की भी मेरी उस टाइम पे प्रिपरेशन चल रही थी, तो उसकी भी बहुत हेल्प हुई थी। हाँ, पढ़ना पड़ता है,
बट जैसे मार्केट में चलता रहता है ना कि आपको 18 घंटे पढ़ने इंटरमीडिएट में, उतना नहीं करना पड़ता है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, बेसिक से चल रहे हैं, तो हो जाता है इंटरमीडिएट में। ओके ग्रेट। सो आपके लाइक इंटरमीडिएट में कितने अटेम्प्ट्स आपके लग गए थे? मेरे ग्रुप वन में 2 अटेम्प्ट लगे थे, सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, एंड ग्रुप टू तो 1 अटेम्प्ट हो गया था। ओके ओके कोई बात नहीं, मेरे खुद के 3 अटेम्प्ट लगे थे ग्रुप वन में, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, अटेम्प्ट लग गया तो। अच्छा लाइक होता है ना कि हर किसी को जब अटेम्प्ट लगता है तो नहीं समझ में आता है कि क्या मिस्टेक हो रहा था, कहाँ पे जाके सही करे, तो क्या मतलब आपने कैसे सारी अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई किया? बिल्कुल सर, एक दो बार तो पहले टीचर से जाके बात करनी पड़ती है, तो वो एक दो बार जब पहली बार आप अटेम्प्ट देने जाते हैं आपको लगता है कि ठीक है सब कुछ बन रहा है, आप लिख के आ जाते हो बट मार्क्स नहीं आते हैं, फिर आप टीचर से बोलते हो तो टीचर्स आपको बताते हैं कि आंसर्स आपको आते हैं, ठीक है अच्छी बात है, बट आपको ऐसे लिखना है। बिकॉज मेरे साथ तो ऐसे भी हुआ है कि एक मतलब फ्रेंड थे, उन्होंने बोला था कि टैक्सेशन का पेपर बहुत अच्छे से उनका नहीं तैयार हुआ था, बट वो गए एंड उन्होंने अच्छे राइटिंग बना के अच्छे कलर पेन से अच्छे टेबल में एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा था, तो उनके कहीं पे फालतू के नंबर कटे नहीं एंड अल्टीमेटली उनका क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें भी होती हैं। एंड फिर उसके बाद नोट्स वगैरह बनाना, सब्जेक्ट्स की नॉलेज तो आई थिंक सबको हो जाती है, 5-6 महीने में सब सब्जेक्ट्स की नॉलेज में समझ जाते हैं कि ये है सब्जेक्ट में, बट उस चीज़ को ग्रैस्प करना एंड प्रैक्टिकली उसको करना, कितने आप क्वेश्चन लगा रहे हैं और पास्ट पेपर्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके गुड। सो आफ्टर जब आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया, देन आपने इंटर्नशिप के लिए क्या अप्रोच देखा? आप MNCs के साइड या PSUs के साइड मूव ऑन किया या फिर आप फॉर्म के साइड आप गए? हाँ, तो मेरा मतलब 2019 वाले दिसंबर वाले अटेम्प्ट में हुआ था, तो फिर 2020 में रिजल्ट आया था कि इंटरमीडिएट पूरा क्लियर हो गया एंड मार्च में आते ही लॉकडाउन लग गया, तो उस टाइम पे मेरा फिर ट्रेनिंग का वही समझ में नहीं आ रहा था कि कब कहाँ कैसे करें, बट फिर जब 2020 एकदम एंडिंग में खुलने लगा लॉकडाउन, उस टाइम पे कुडको से वैकेंसी निकली थी कि ट्रेनिंग चाहिए, तो वहाँ पे अप्लाई किए थे। हाँ, फॉर्चुनेटली एक ही कंपनी में बस अप्लाई किया था और कहीं किया नहीं एंड वहीं पे हो गया था मेरा सिलेक्शन, तो 15 मंथ्स की ट्रेनिंग मेरी फिर कुडको में हुई थी। तो कुडको मतलब आपका लखनऊ ऑफिस था या फिर कहीं और? हाँ अच्छा, लखनऊ ऑफिस था उस टाइम पे, लखनऊ में थे। एंड एक मेरा वो भी था कि हाँ कंपनी में ही जाके करना है, फर्म नहीं चूज करना है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा गोल था कि आप जब क्वालिफाई होकर निकलोगे तो आप कॉर्पोरेट में जाना है, तो कॉर्पोरेट में जाना है तो कॉर्पोरेट के रूल्स मालूम होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए भी और बहुत कुछ सीखने मिलता है सर। मतलब पहले आपको काम के लिए कुछ सिखाए ना सिखाए, लेकिन एज आपको कैसे बिहेव करना है एज अ प्रोफेशनल, वो चीज़ भी बहुत सीखने मिलती है। या डेफिनेटली, और जो आप किए हो, मैं सारे स्टूडेंट्स को मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कल को जॉब भी करना है तो आप उसी में जाओ ना, आपको पता चलेगा क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन से डिपार्टमेंट कैसे काम करती है, वहाँ का लाइक कल्चर कैसा है, बिहेवियर्स लोगों के कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप फ्यूचर में आपको कॉर्पोरेट में जाना है, तो दैट्स ग्रेट। अच्छा आफ्टर दैट लाइक फाइनल अगेन एक बिग चैलेंज था बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप, फिर आपने कैसे अप्रोच किया फाइनल को? फाइनल तो सर बहुत बड़ा चैलेंज था बिल्कुल, जब ट्रेनिंग वेनिंग चलती रही उस टाइम पे पढ़ भी रहे थे एंड साथ में और भी ट्रेनिंग्स थे, तो उनके कुछ के निकले हुए थे, एक एक ग्रुप निकले थे, कुछ के नहीं निकले थे, तो सब साथ में बैठ के डिस्कस करते थे कैसे करना है कैसे करना है, बट ट्रेनिंग रहती जैसे सुबह से शाम तक रहती थी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम, वो ट्रेनिंग का जो थोड़ा सा पीरियड रहता है उस टाइम पे पढ़ाई थोड़ी कम होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी सीखने मिलती है ट्रेनिंग से, तो पढ़ाई पे उतना मन नहीं लगता है, बट स्टिल उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा करते रहो, क्योंकि कोर्स भी बहुत बड़ा होता है, आपको जो बुक मिलेगी उस बुक में तो चैप्टर्स लिखे होते हैं ठीक है एंड वो एक बुक में खत्म हो जाता है, बट चैप्टर इतना वास्ट होता है, लाइक इंटरमीडिएट का भी पूछ सकते हैं, फाइनल का भी पूछ सकते हैं, कहीं से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फाइनल में वो फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्रोफेशनल, आपको सब मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, तो कोई उसमें लिमिट नहीं होती है, तो वो पढ़ने में थोड़ा सा रहता है कि कोर्स बहुत वास्ट रहता है, आपको कोचिंग्स लेनी पड़ती हैं, बहुत सारे नए सब्जेक्ट रहते हैं जो ऐसे नहीं रहते हैं कि आपने पहले पढ़े होंगे, तो वो चीज़ें रहती हैं, थोड़ी सी डिफिकल्टी तो रहती है, मतलब फाइनल में ये नहीं है कि एकदम आसान रहता है। हाँ, उस टाइम पे आप बिल्कुल 8-10 घंटे तो नॉर्मली देना चाहिए आपको डेली, तभी हो पाता है। अच्छा, तो फाइनल में आप लाइक जो आपने पेपर अटेम्प्ट किया, सो आपकी लाइक स्ट्रेटेजी फिर क्या रहती थी, लाइक 3 घंटे के पेपर में पहले क्या करना है फिर बाद में क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप कैसे करते थे? स्ट्रेटेजी भी बहुत बदली है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब 2020 वाला मेरा अटेम्प्ट ड्यू था तो उसमें उन्होंने ट्रेनिंग के लिए एग्जेम्पशन दे दी थी कि ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं है, तो 2020 अटेम्प्ट भी दिया, 21 वाला अटेम्प्ट भी दिया, 22 के भी दोनों अटेम्प्ट दिए, नहीं निकल रहा था, 2020 वाले अटेम्प्ट में क्या ऑनलाइन कर दिया था उन्होंने पूरा, तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ी थी। एक
बहुत ज्यादा अचानक से मतलब नया रहता है, तो थोड़ा डर सा भी बैठा हुआ था कि कैसे क्या होगा। यूट्यूब में बहुत वीडियोस देखी कि कैसा हो, क्या होगा, किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं था कि कैसे होगा, लेकिन स्टिल अपने हिसाब से किया, प्रैक्टिकल्स भी पढ़े, सब कुछ पढ़े एंड वहाँ पे जाके एग्जाम देने स्टार्ट किया। एंड फिर वहाँ पे कुछ डिफिकल्टी फेस हुई थी एग्जाम सेंटर्स में, वो सबके साथ ही हुई थी, वो सब थोड़े बहुत इशूज थे, लेकिन अल्टीमेटली एक्सपीरियंस स्मूथ था। जितना डर लग रहा था उतना डर पहले ही पेपर के बाद खत्म हो गया था। एंड पहला पेपर हमेशा लॉ का होता था एंड लॉ मेरी बहुत अच्छी थी, तो पहले पेपर के बाद ठीक हो जाता था। लेकिन फिर वो रहता है थोड़ा सा वहाँ पे जो मतलब आप पहले के पेपर्स रहते हैं, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप पास पेपर एनालाइज करके जाते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाया था क्योंकि पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया था। फिर 2021 में भी पूरा पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया, तो इससे थोड़ा इशू आया था। 2022 में फाइनली जब उन्होंने ऑफलाइन किया तो उस टाइम पे बैठ के दिए, उस टाइम पे भी नहीं निकला था। मैं 2022 में दोनों अटेम्प्ट दिए नहीं हुआ। एंड उसके बाद उसको देख के अच्छे से एडवाइसेस लेके बहुत लोगों से पूछा कि क्या नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, पेपर अपने सारे मंगाए, पैसे लगते हैं बट पेपर अपने सारे मंगाए, देखे कहाँ पे कट रहे हैं मार्क्स, एंड फिर उसके बाद बैठ के प्रॉपर नोट्स बना के अपने एंड उसको प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है सर, क्योंकि जब ऑनलाइन हो गया था 2020-2021 में तो प्रैक्टिस बहुत छूट गई थी। तो फिर दिया एंड हाँ एंड 2023 वाले अटेम्प्ट में फिर दोनों ग्रुप दिए साथ में, कि ये हो गया कि फर्स्ट ग्रुप कब तक देते रहेंगे, सेकंड ग्रुप भी दोनों साथ में कर लिया था, इतनी प्रैक्टिस हो गई थी मेरे की अब देना है, खत्म करना है, एंड 23 में दोनों एक साथ निकल गए। ओके, अच्छा जब आप सीएमए बने तो पापा का एक्सप्रेशन कैसा था आपके लिए? सो वो एक एकदम प्राइसलेस मोमेंट रहता है, मतलब इतने खुश थे वो, खुद उनको सुबह फोन किए तो बोलते हैं क्या वो रिजल्ट आ गया क्या, उन्होंने फिर उनको बताया कि हाँ क्लियर हो गया, तो वो इतने खुश थे। लाइक एक वो रहता है ना कि वो भी काफ़ी मतलब ऐसे ऑब्वियसली कोई बोलता नहीं है बट उनके मन रहता है कि कब क्लियर होगा, इतने अटेम्प्ट हो गए, तो उनको बहुत वो मोमेंट हमेशा याद रहता है सबको। या वो तो डेफिनेटली, और लाइक वो खुद भी एक सी एम ए तो उनको डेफिनेटली प्राउड फील हो रहा होगा कि उनका लड़का भी सी एम ए बना। लाइक ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको बोला बनने के लिए, बट हाँ एक होता है कि आप जिस चीज़ को, जैसे मैं खुद सी एम ए हूँ, जब मैं सी एम ए में अपने इस कोर्स में आया था मेरे गाँव में कोई सी एम ए नहीं जानता था, और आज मेरे फैमिली में तीन लोग सीएमए कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मेरे साथ है, ये जैसे मेरी जर्नी रही है ना, तो बहुत सारे मेरे दोस्त बने हैं जो कुछ सीए कर रहे थे, उन्होंने सीए छोड़ दिया, फिर नहीं हुआ तो उन्होंने सीए छोड़ दिया, कोई और दूसरे कोर्स कर रहे हैं, तो मेरे मतलब लोगों को जब पता चला कि क्या कोर्स है, कैसा कोर्स है, तो मेरे जाने जाने में मेरे फ्रेंड्स तीन चार लोग ने एडमिशन ले लिया उसमें एंड कर रहे हैं मेरे साथ, वो फाइनल में अभी। तो ये बहुत लोग इंस्पायर हो जाते हैं, लोगों को मालूम नहीं रहता लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। राइट राइट, अच्छा आफ्टर इट जब आप कैंपस में आप गए थे और देन आपको लाइक आप जैसे आपने मुझे पहले बताया कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कम हुई थी, तो क्या आपकी शॉर्ट लिस्टिंग उसमें आई थी कितने कंपनीज में? सर केवल एक कंपनी में आई थी शॉर्ट लिस्टिंग, एंड उसमें भी ये था कि मतलब जो स्टैंडर्ड पैकेज होते हैं सीएमए के उससे पैकेज तो कम था, एंड उन्होंने हाँ इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, बट उन्होंने फिर लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा कि आप मतलब रिलोकेट होने के लिए कंफर्टेबल हो गए या हम वहाँ कहीं भी, उसमें मेरा आंसर ऑब्वियसली यस था, बट ठीक है उन्होंने सब कुछ पूछा, क्योंकि ये आपने बताया था कि भले होना है आपको नहीं होना है वो बात की बात है, लेकिन आप ऑब्वियसली हमको जाके हमेशा हाँ बोलो, कि आपको उनको लगना चाहिए कि चैलेंजेस के लिए आप खड़े हो, ऐसे भागना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी, तो इंटरव्यू भी अच्छा गया बट फिर वहाँ से सिलेक्शन भी नहीं आया मेरा, तो उन्होंने दूसरों को ले लिया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा हाँ था कि बहुत सारी जगह पे अप्लाई भी किया था, बहुत जगह पे जितना लिंक्डइन पे मिलता था एंड दूसरे जॉब पोर्टल्स पे मिलता था बहुत जगह अप्लाई किया था, कहीं से आया था, बहुत जगह इंटरव्यूज़ भी दिए थे, तीन चार जगह इंटरव्यूज़ भी दिए थे। देन फाइनली मेरा एक गुड़गांव में ही कंपनी थी उसमें हो गया था मेरा, रिन्यूएबल एनर्जीज़ में ऑपरेट करती है वो, हाँ वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था मेरा। तो फिर उस टाइम पे बहुत जाके एटलीस्ट थोड़ी रिलीफ लगी थी कि ठीक है मेरा सिलेक्शन हो गया है, एटलीस्ट वो अनएम्प्लॉयड नहीं बैठेंगे, ये हो गया था। बट देन मेरे पास फिर फ़ोन भी आ गया था, एक्सेंचर से आ गया था, तो उन्होंने पूरा समझाया कि ये ऐसे ऐसे ये रोल है, एंड जो रोल वो दे रही थी एक्सेंचर दे रही थी वो मेरा फेवरेट रोल था, एंड कंपनी भी बहुत पहले से पसंद थी, तो ऑब्वियसली उसका इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू क्लियर हुआ एंड फिर उन्होंने आगे की प्रोसेस करी पूरी। अच्छा इंटरव्यू के टाइम में आपने मेरे को कॉल किया था, तो जो टॉपिक्स मैंने आपको गाइडेंस दिए थे क्या वही सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए थे ऑलमोस्ट? हाँ सर, मतलब जब हाँ उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि इस दिन पे इंटरव्यू होगा एक्सेंचर में, एक्सेंचर का नाम सुनते ही आपका नाम याद आ जाता है बिकॉज आप हैं उसमें, तो मैंने तुरंत आपको फ़ोन किया, फिर आपने अच्छे से गाइड किया, आपने मतलब 5-6 टॉपिक बताए थे जैसे कि, तो उसने वही क्वेश्चंस पूछे, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करी थी जो आपने बताए थे। YouTube वगैरह पे भी, अगर YouTube पे भी आप देखने जाओ तो
मतलब इस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ऐसे नहीं मिलता है, क्योंकि आईटी कंपनी है वो, तो इंजीनियर्स के लिए तो बहुत कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन फाइनेंस के लिए, फाइनेंस के रोल के लिए आप जा रहे हैं तो इतने नहीं मिलते हैं आपको हेल्पफुल वीडियोस, इसलिए आपका बहुत हेल्पफुल था वो। राइट, तो ओवरऑल राइट नाउ आप अपनी जर्नी से सेटिस्फाइड हो? हाँ सर बहुत, मतलब थोड़ा लेट हुआ उस टाइम पे, बहुत शिकायत रहती थी कि लेट हो रहा है, पता नहीं कब होगा, बट अल्टीमेटली जो क्लियर होने के बाद जो रिस्पेक्ट मिली है आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और जितने लोग भी जानते हैं, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि एक वो आपकी इमेज बन जाती है, फिर आपको अंदर से भी फीलिंग आती है कि आप प्रोफेशनल हो, एंड वो जितना भी टाइम लगा, जितनी भी मेहनत थी, सब वर्थ इट है। राइट, ये तो है, एट द एंड सब कुछ पे ऑफ हो जाता है। बिल्कुल सर, एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा कोर्स थोड़ा सा और मतलब डिस्टेंस रहता है, आपको घर में बैठ कर पढ़ना है, आपको एग्जाम देना है, ऑनलाइन मतलब क्लासेस ऐसे रेगुलर नहीं रहती इतनी, तो एक जहाँ पे स्टूडेंट्स लैक करते हैं वो रहता है नेटवर्किंग में। राइट, तो नेटवर्किंग का बहुत बड़ा इशू पड़ता है, एंड उसका बहुत हेल्प भी होती है, मतलब ऑब्वियसली एग्जाम देते वक्त तो नहीं इतना समझ में आता है, बट एग्जाम क्लियर करते ही आपके दिमाग में सीधे ये घूमता है कि आप कितने लोगों को जानते हो जो कि कहीं ना कहीं अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, ताकि आप उनसे रेफरेंस मांग सको, उनके थ्रू अप्लाई कर सको। तो बस यही है कि जो भी जहाँ भी पढ़ रहा है, जिस स्टेज में भी है, उनको हमेशा अपने रेफरेंस बनाते रहने चाहिए, कनेक्शन बनाते रहने चाहिए। और कोई और सजेशन जो अभी रिसेंटली फिर से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो उन सारे बच्चों के लिए क्या टिप्स एंड सजेशन रहेगा आपके साइड से? मेरा तो टिप यही है, कितने भी अटेम्प्ट्स लग रहे हैं उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये थोड़ा सा रहता है अपने कि अगर आपके 2-3 अटेम्प्ट्स लग गए हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, मे बी कैंपस में ना आए ज़्यादा सिलेक्शंस, ज़्यादा आपको ना शॉर्टलिस्ट करें, बट ऑफ कैंपस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज की डेट पे जिनका कैंपस में भी हुआ था वो भी बोल रहे हैं कि यार कैसे हो रहा है, एक्सेंचर में मुझे भी बता था बिकॉज वर्क कल्चर भी बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे अच्छा होता है, बहुत पैकेजेस भी अच्छे, बहुत कॉम्पिटेटिव होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, आपका बहुत नेटवर्क भी बढ़ जाता है, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होने के बाद नहीं मैटर करता है। इवन मेरा एक और जो गुड़गांव वाले कंपनी में भी देने गए थे, तो उन्होंने बोला था कि आज आप इस डिग्री के बेसिस पे यहाँ पे पहुँचे हो, यहाँ से आगे आप हमेशा अपने एक्सपीरियंस पे जाने जाओगे, आपकी डिग्री आपको यहाँ तक पहुँचाई है और आगे भी ले जाएगी, बट एक्सपीरियंस आपका जो होगा वो मायने रखता है। तो अटेम्प्ट्स का इतना डर नहीं है, आप अपने हिसाब से पढ़ो, आप अपनी स्ट्रेटेजी करो, आप प्रैक्टिस करो, बिल्कुल पास्ट पेपर्स बहुत लगाने चाहिए। और लोग सोचते हैं कि अब जैसे 2022 वाला सिलेबस आ गया है अब तो उसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2016 वाले सिलेबस के जितने पेपर हैं वो लगा लेनी, ऐसा नहीं करना, आप पीछे चले जाओ 2008-2002 तक के पेपर निकाल के लगाओ, वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। ओके, थैंक्स गौरव फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर टिप्स एंड ऑल द थिंग्स, और आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए उसके लिए अगेन थैंक्स टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड आपकी गाइडेंस बिल्कुल बहुत काम करती है। आप मतलब आज की डेट पर अगर कोई सी एम एस सर्च करता है तो आपकी वीडियो सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि आपने मतलब ए टू जेड पूरा कंप्लीट गाइड बना के रखे हैं, कोई भी चीज़ चाहिए हो उसका क्वेश्चन आंसर आपके पास होता है, तो उस चीज़ बहुत हेल्प करती है सर वो सब चीज़ें, क्योंकि सी ए का तो हर टीचर बना के डाल देता है, सी एम ए के लिए इतने हैं नहीं अभी। हाँ ये तो है, और डेफिनेटली लाइक मेरा भी टारगेट भी यही है, अभी आपने देखा मैंने बहुत सारे वेबिनार्स भी स्टार्ट किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि जब कहीं कोई सी एम ए जाए तो लगे कि हाँ कोई सी एम ए आया है, दैट्स मेरा वही माइंडसेट है सर। और उस चीज़ से जुड़ना भी बहुत अपने आप में एक अच्छी बात है कि लोगों को हेल्प कर सकते हैं, तो वही अभी कल भी मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ जिसमें 2022 सिलेबस में आप कैसे अच्छा कर सकते हो, ऑलरेडी सौरभ है मेरा ही स्टूडेंट था वो भी, उसका ऑल इंडिया रैंक 18 है, तो ही विल कम एंड ही विल गाइड इन जूम सेशन, तो मैं इस टाइप के भी मैं वेबिनार से स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी अमाउंट फॉर द वेबिनार। हाँ वही बिल्कुल, मेरे भी सर फ्रेंड्स हैं उनको ऑब्वियसली रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वो 22 वाले सिलेबस में हैं, वो सब अभी तो कन्वर्ट हो गया सबका, एंड वो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि मतलब पता नहीं कैसे पेपर आएंगे, ज़्यादा अटेम्प्ट हुए नहीं है तो कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट्स में कुछ चेंजेस कर दिए कैसे करना है, कुछ चीज़ हेल्प करेंगी। सो थैंक्स अगेन एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आप लाइफ में और आगे बढ़ो और नाम कमाओ, और फिर से डेफिनेटली आपकी स्टोरीज आते रहे मेरे चैनल पे, आप मोटिवेशन बनो सबके लिए, मैं तो ये विश करूँगा आपके लिए। सर थैंक यू सो मच, एंड आप ही गाइड करेंगे सर अभी भी? या डेफिनेटली, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ लाइक सारे स्टूडेंट्स के लिए, जब भी कोई मुझे मैसेज करता है, हो सकता है मे बी इमीडिएटली नहीं, बट मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, और ये कभी नहीं सोचता कि ये स्टूडेंट मेरे से ज्वाइन कर रखा है तभी मैं इसको आंसर करूँगा, हेल्प करूँगा, ये मेरा स्टूडेंट नहीं है तो नहीं करूँगा, ऐसा मैं नहीं सोचता। देखो सर वही है ना, मैंने दोपहर में भी आपको कॉल किया है, लेट नाइट में भी आपको कॉल किया, आप बिल्कुल उठा लेते हैं, कभी वो नहीं रहा है कि आप उठाए नहीं हुए, रिप्लाई ना किया। सो
बस यही है, सब लोग आगे बढ़ना है और अपने प्रोफेशन का नाम करना है, दैट्स इट। हाँ सर, और वो चीज़ होती है सर, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है क्लियर होने के बाद, जो एकदम से चेंज हो जाता है सब कुछ। या चलो फिर, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।